भी वो साल में लौटेंगे ना तो मर जाते हैं, हाँ। नहीं बचते हम, मर जाना। तो फ्रेंड्स आज हम आपको ब्लॉगिंग में कुछ खास दिखाने वाले हैं। खास का मतलब क्या है कि आप देख रहे हैं हर जगह पे कोरोना के चलते मार्केट यानी सब मार्केट धीरे धीरे डाउन होने जा रहा है फ्रेंड्स। तो आज क्या हालात है हम आंध्र प्रदेश के मार्केट से मैं आपको दिखाऊंगा, जो मार्केट का नाम है सुलेरपेटा। हेलो एवरीवन, जैसे कि हम आ चुके हैं अभी हम सुलेरपेटा के एक जो दुकान है वो आप मेरे बैकग्राउंड से आप देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो हम आप यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर बहुत सारा मूर्ति आपको दिखे मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं गणेश भगवान का मूर्ति है, काफ़ी अच्छा अच्छा मूर्ति है। लेकिन ये क्या है कि अभी लॉकडाउन के चलते इनका टोटल सामान अभी बिक नहीं रहा है फ्रेंड्स। तो मैं आपको जगह का सबसे पहले यहाँ का एड्रेस बता देता हूँ और मैं सोचता हूँ कि इनसे कुछ बात करूँ और ये अपना नाम बताएं और अपना एड्रेस बताएं, ताकि अभी जितने सुलेरपेटा से यानी साउथ जो आंध्र प्रदेश के सुलेरपेटा है यहाँ पर जितने भी अगर ऐसा मूर्ति खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर आइए और हम इनसे नाम जानते हैं और इनका एड्रेस जानते हैं और यहाँ का पता जानते हैं। तो आइए हम मिलते हैं इनसे। इनका क्या नाम है, अपना नाम बताइए। हमारा नाम पूरा राम जी है। पूरा राम जी, इनका नाम पूरा नाम है। अब आप समझ रहे हैं हम इनका पता है और यहाँ का एड्रेस जानना चाहते हैं, अपना एड्रेस बताइए। हमारे राजस्थान वाले, हमें राजस्थान में रहते जी, हम धंधा राजस्थान में धीरे सुलेरपेटा में और ये सुलेरपेटा में रहते हैं और हम इनसे जानना चाहते हैं कि कितने दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं और कितने दिन से अपना वर्क यानी अपना काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम जानते हैं, आप कितने दिन से यहाँ पर हैं चाचा? हम 6-7 साल हो गए, 7 साल हो गए। 7 साल से अभी तो हमें काफ़ी मूर्तियाँ इधर दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि क्या ये सब मूर्तियाँ अभी बिका नहीं? नहीं बिका, एक मूर्ति नहीं बिका, 20 लाख का हमारा लॉस हो गया साहब। जैसे कि ये बता रहे हैं कि अभी इनका 20 लाख का मूर्तियाँ लॉस हो चुका है फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि अगर ऐसा मार्केट चलेगा, लॉकडाउन यहाँ पर लग जाएगा तो इनका क्या हालत होगा। पहले से भी लॉकडाउन लगा था, वहाँ पर बिक्री नहीं हुआ था और ये बता रहे हैं कि 20 लाख का इनका लॉस जा रहा है फ्रेंड्स। आप हाँ, और आप कुछ कर रहे हैं? खाने का पैसा नहीं हमारे पास, कहाँ छोटे छोटे बच्चे हमारे पास, कहाँ लेके जाएंगे हमें? देखिए ये बोल रहे हैं कि अभी इनके पास खाने का पैसा नहीं है फ्रेंड्स। हम चाहते हैं कि अगर आप ऐसा वीडियो देख रहे हैं तो आप इनको आइए और अच्छा अच्छा मूर्तियाँ लेके जाइए। आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा अच्छा मूर्तियाँ है और हम ये चाहते हैं कि आप एक आप इधर आइए थोड़ा, हम पास से आपको दिखाना चाहते हैं कि एक मूर्ति का दाम कितना है फ्रेंड्स। तो अगर आप ऐसा मूर्ति लेना चाहते हैं अपने रूम घर या किसी चीज़ में लगवाना चाहते हैं तो आप लगवा सकते हैं। चाचा ये बताइए ये मूर्ति कितना का पड़ेगा? 16,000 का, 17,000 का, जैसे 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 आइटम पे, छोटी है बड़ी है आइटम पे, जो आइटम बड़ा होता है बड़े का रेट और छोटी की छोटी रेट। तो देखिए प्रॉपर 17,000 का मूर्ति है फ्रेंड्स। अगर हमारा यूट्यूब ब्लॉगिंग पर आप पहली बार आए हैं तो हम इसमें नंबर दे देंगे इनका और मोबाइल नंबर, और आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और आके यहाँ से मूर्तियाँ खरीद सकते हैं फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम आपको बताते हैं कि अगर ऐसा मूर्ति आप दूसरे जगह खरीदेंगे तो और महंगा में मिलेगा। तो फ्रेंड्स हम इनसे जानना चाहते हैं अगर आप ऐसा मूर्ति दूसरे जगह खरीदते हैं तो कितना पैसा दूसरे जगह दूसरा आदमी लेगा, आप बताइए। अगर ये दूसरे जगह लेंगे मूर्ति तो हमें कितना में पड़ेगा? 20-25 हज़ार में पड़ेगा, हम कम करके देते हैं। 25,000 में पड़ जाए, 25-30 हज़ार में, हम कम रेट में दे रहे, क्या करें, ऊपर लॉस हो गए, पैसे ऊपर आ गए, ब्याज बहुत ब्याज रहे। सो फ्रेंड्स तो हम चाहते हैं और हम आपको बता, हाँ ठीक है ठीक है, मैं बताएगा। सो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि इनका काफ़ी लॉस हो चुका है। तो फ्रेंड्स मैं एक छोटा सा मूर्ति लेना चाहूँगा और अपने पैसे से एक मूर्ति खरीदूँगा जो अभी मैं लेना चाहूँगा, और देखते हैं मेरे को कौन सा मूर्ति पसंद है। जैसे मैं तो मेरे को कृष्ण भगवान पसंद है क्योंकि मैं हिंदू जात हूँ और सबसे बड़ा इनको पूजा करता हूँ। तो हम एक मूर्ति लेंगे और मैं अपने पहले यूट्यूब चैनल पर एक पहला इंटरव्यू और ये जैसे कि यहाँ पर यहाँ अपना यहाँ का एड्रेस फुल बताइए और नाम बताइए। एड्रेस मेरे को मालूम है, साईनगर बाईपास के बाजू में बमल वाले। और तो ये साईनगर के बाईपास के है इनका नाम, और इनका हम मोबाइल नंबर आपको इसके इस वीडियो में डाल देंगे, फुल वीडियो में इनका मोबाइल नंबर डाल देंगे। आप यहाँ से अगर आंध्र प्रदेश से हैं तो आप ये मूर्तियाँ ले सकते हैं और काफ़ी अच्छा अच्छा पर रेट में
मूर्तियाँ मिलेगा, हाँ बजट में मिलेगा। तो फ्रेंड्स एक मेरे अम्मा बैठी है, अम्मा से पूछ लेते हैं, अम्मा आपको ये सब काम करने में कितना मेहनत लगता है। तो आइए हम अम्मा के पास चलते हैं और देखते हैं। सो फ्रेंड्स तो मेरी जैसे कि मेरे अम्मा के सामान है और ये मूर्तियाँ बना रही है कुछ। तो ये फ्रेंड्स ये राजस्थान से हैं, जैसे ये मेरी माँ के सामान है तो हम इनसे कुछ जानना चाहते हैं। तो आइए बने रहिए और देखिए टोटल अपने हाथ से अपने हाथों के कलाकारी से मूर्तियाँ बनाती है। तो अम्मा आप ये कितने दिन, जैसे कि आप ये मूर्ति बनाने चाहती हो तो कितने दिन में बना सकती हो? वो दो दिन में बनता है जी, दो दिन में बनता है, कलर है, मेहनत है, 5 दिन में तैयार हो जाता है। कितना खर्च लगता है एक मूर्ति बनाने में? बहुत होता है खर्च, एक मूर्ति बनते में होता है 1000-1500, छोटा मूर्ति में 1000-1500 खर्च हो जाते हैं। हाँ। खाने पीने का पूरे 2000 बन जाते हैं। हाँ। तो वो जो पीछे दिखाई दे रहा है, कैमरामैन से चाहेंगे तो थोड़ा पीछे ले, और जो पीछे दिखाई दे रहा है वो मूर्ति में कितना टाइम एक मूर्ति में लगता है? वो बड़ा वाला मूर्ति में हो जाता 5 दिन और 6 दिन हो जाता है, गणपति में 5 दिन 6 दिन हो जाता है, वो भगवान का मूर्ति में 2 दिन लगता है। आपको यानी एक मूर्ति में 2 दिन लगता है? हाँ, भगवान का मूर्ति बनाते हैं तो 2 दिन लगता है, गणपति का बनाने से 5 दिन हो जाता। ओके, कैमरामैन से थोड़ा नीचे बढ़िया। 5 दिन यानी 10 दिन लगता है। तो अम्मा आपको तो काफ़ी परिश्रम करना पड़ रहा है? परेशान हो रहा है, वो साल में बहुत परेशान हो गया, हमारा लाभ टांग लगने से बहुत हमारा दिमाग खराब हो रहा है, बहुत हम परेशान हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि अम्मा को कैसे हेल्प करना चाहिए और कैसे इनको आगे से आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन में अभी इनका टोटल मूर्ति बिकी नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स सेल नहीं हुआ हमारा, एक भी मूर्ति सेल नहीं हुआ अभी, वो साल में लॉकडाउन बोल रहा था हम क्या करना, कैसे चलना, कैसे जीवना, मरना सोच रहा हूँ अभी, वो साल में लॉकडाउन ना तो मर जाते हैं। हाँ, नहीं बचते हम, मर जाना। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमारे कहने का मतलब है, अगर आप एक वर्कर है, आप एक बिजनेस मैन है, तो आप टोटल समझ चुके होंगे कि आप एक बिजनेस करते हैं तो कितना खर्च लगता है और नहीं चलता है तो कैसे अफसोस होता है। तो फ्रेंड्स ये आमा बोलते हैं कि अगर ये लॉकडाउन अगर दोबारा लग जाएगा तो खास करके हमारा मरना निश्चित है, क्योंकि ये बहुत दूर से राजस्थान से आकर यहाँ आंध्र प्रदेश में अपना एक छोटा सा रोजगार खोल चुके हैं, लेकिन क्या है कि अभी यहाँ पर कुछ भी का नहीं हुआ है। तो आमा आप अब यहाँ कितने दिन तक रहोगी? 7 साल हो गए हमको इधर रहने से, अभी 7 साल होने से और लॉकडाउन होने से बहुत पैसा हमारा ऊपर हो गया, 20 लाख का हमको कर्जादारी बन गए। अभी वो साल में और लॉकडाउन हो जाता कैसे बसना, अभी नहीं बच सकते ना, मर जाते, नहीं बच सकते ना, कैसा व्यापार नहीं, घर में 10 जना खाने वाले का नहीं, जिधर जाना जिधर व्यापार नहीं, तो क्या करना जी। तो अम्मा हम ये जानना चाहते हैं आपके इस जैसा कितना और मार्केट है, कितना दुकान है यहाँ पे? वो एक ही है हमारा दुकान, इधर एक ही दुकान है, नहीं है दूसरा, अभी दूसरा दुकान नहीं है। तो मिनिमम हम आपको बता, हाँ दूसरा आ जाते हैं, तेलुगु आ जाते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि अगर एक दुकान है और एक घर का खर्चा चलाने के लिए आप टोटल महसूस कर सकते हैं, तो समझिए टोटल इनकम है लगभग 10-15 लाख रुपया लगा चुके हैं। तो हाँ अभी एक महीना का 10,000 जमीन का किराया देना, लाइट बिल देना, लैपटॉप में एक मूर्ति सेल हो तो क्या देना, अभी कुछ हमारे पास में नहीं, देने परेशान हो रहा हूँ। मैं सरकार से निवेदन करूंगा, जो तमिलनाडु सरकार है यहाँ का, जो आंध्र प्रदेश का सरकार है, तो हम सोचते हैं कि जितना हो सके लॉकडाउन ना लगे और हमारा जो जितना वीडियो आप देख रहे हैं ताकि जीआरएस कर सके, ये काफ़ी मजबूर हो गए हैं फ्रेंड्स। तो हमें क्या है कि ऐसा ही मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रहा था तो हमें ये मूर्तिया का दुकान दिखाई दिया, तो मैं सोचा कि अपना एक वीडियो इस पर अपलोड कर दूँ और इनको कुछ आगे बात बढ़ाऊँ। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो शेयर करें, और मैं ये बोलते हैं कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, नहीं तो मेरे पिछले साल का भी नुकसान हुआ है और इस साल भी नुकसान हो जाएगा, तो मैं काफ़ी रोड पे आ जाऊँगा। तो मैं मर जाना, वो साल में वीडियो लॉकडाउन हो जाता तो मरना कबूल कर लेते, वो साल में कैसा बस रहा, बस रहा, बस रखा, बस 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 कर रह रहा हूँ,
वो साल में लॉकडाउन होने से पूरा फैमिली मर जाते जी, कोई रहने वाला नहीं है। हम आप ये बताइए कि यहाँ पे कितना फैमिली आपके हैं? 10 जना पूरे काम वाला लोग, इधर रहने वाला खाना वाला 10 लोग है। 10 लोग को रोज को खाने का 1,000 रुपया तक पड़ना पड़ता नहीं, कुछ व्यापार नहीं चल रहा है हमारे पास में। अभी आज दिन भर में कितना मूर्ति आप बेच चुकी हो? अम्मा नहीं बेचा, एक भी मूर्ति सेल नहीं हुई, सुबह से लगा के अभी तक एक भी मूर्ति सेल नहीं हुआ। अम्मा काफ़ी दुखी है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं कि अम्मा को एक आज एक भी मूर्तियां नहीं बिकी है, और हम जानते हैं आप इस महीने में कितना मूर्तियां बेच चुके हैं अम्मा? एक महीना में एक भी मूर्ति नहीं सेल होता था, कैसे सेल करना जी, बहुत दुखी है वो साल में, बहुत हम दुखी हो गया। देखिए अब ये बोल रही है अम्मा जो कि एक महीना में एक भी मूर्ति आप बिकी नहीं, और वे बता रही कि ये जमीन का टोटल आप देख रहे हैं कैमरे में कितना नजर आ रहा है, कुछ खास नहीं है। एक महीना का 10,000 देना जमीन का। एक महीना का 10,000 भाड़ा भी देना है, और क्या है कि तिरपाल लगाए, ऐसा कोई बड़ा शॉप बड़ा बिजनेस बड़ा मैन ये है नहीं। और समझिए कि ये अगर एक बिजनेस मैन आप हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मैं चाहता हूँ कि लॉकडाउन नहीं लगे। तो चलिए आज का वीडियो में हम एक छोटा सा ये मूर्ति लेना चाहता हूँ, देखता हूँ कितना बजट का है। अम्मा तो ये मूर्ति कितना का पड़ेगा हमको? देखिए फ्रेंड्स, तो मैं एक मूर्ति मेरे को लेना है, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा इधर मूर्तियाँ दिखाई दे रहा है। तो आज आ चुके हैं इन अम्मा के दुकान पे, तो थोड़ा इनका इनकम आज फर्स्ट जो मूर्ति खरीद रहा हूँ आज मैं खरीद रहा हूँ। तो आज वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मैं देखता हूँ मैं मेरे को अच्छा मूर्तियाँ कौन सा लग रहा है। तो अभी इधर से च्वाइस कर रहा हूँ, और अम्मा एक गणेश जी का मूर्ति कितना में मिलेगा हमको? 150 में मिलता जी। तो फ्रेंड्स देखिए मैं ये मूर्ति अभी ले चुका हूँ, और गणेश भगवान का मूर्ति है, और मैं आज का दिन इनका सबसे पहला बहन यानी जो रोजगार का होता है मैं कर रहा हूँ। तो अगर आपका ये वीडियो कैसा लगा, ऐसा ही अगर वीडियो देखना चाहते हैं अलग अलग तो देखते रहिए। मैं हूँ प्रेम सागर, आप देख रहे हैं प्रेम ब्लॉग चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि एक गरीब दुकानदार हैं। और मैं वीडियो को एंड करता हूँ, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मैं ये वीडियो का अभी पैसा दे रहा हूँ, 150 रुपया है। तो फ्रेंड्स तो आज आप देख चुके हैं आज का ब्लॉगिंग कैसा रहा हमारा। आज का ब्लॉगिंग आपको अच्छा लगेगा तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल को आगे बढ़ाइए। तो चलिए तो वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।